हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम सबके लिए, जीएसटी पोर्टल से जो लेट फी है अब उसको हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन अपने पास आ गया था, लेकिन कल तक मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी भी लेट फी शो कर रहा है। मैंने बोला था कि आप पे करके अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए, क्योंकि पोर्टल पे अपडेट होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन इस बार अपना डिपार्टमेंट ने बहुत जल्दी ही इस पे एक्शन ले लिया है और पोर्टल से लेट फी को हटा दिया गया है। ठीक है, कल तक मैं इनके अगस्त के जो रिटर्न है उसको फाइल करते समय देख रहा था कि इसमें लेट फी शो हो रहा था कुछ 1120 और 1120, क्योंकि नील रिटर्न था। लेकिन जैसे ही मैंने आज यहाँ पे देखा तो यहाँ से लेट फी को बिल्कुल हटा दिया गया है। आइए हम देख लेते हैं इसको और आते हैं 3B में। 3B में आप देखिएगा कि नील रिटर्न है, क्योंकि तो पहली बात तो दिखेगा यहाँ पे जो अपना इस मैसेज के बाद एक और मैसेज आता था कि आपका लेट फी है, वो मैसेज नहीं आया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करता हूँ मैं। और देखिए, कल तक यहाँ पे 1120 शो कर रहा था लेट फी में, लेकिन आज ये जीरो है। तो ये जीरो थे ही सांसद, एक बार इसको फाइल करके ये देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा, प्रोसीड टू पेमेंट और सेटअप करके देखते हैं, इसी से अपना पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ मेक पेमेंट डाला, पोस्ट क्रिएट टू लीजर, और देखिए यहाँ लाइबिलिटी सेटअप हो गया और इजिली अब बिना लेट फी पे करे अपना रिटर्न फाइल हो रहा है। तो आप भी जो अपना रिटर्न है वो इजिली फाइल कीजिए, क्योंकि सेटअप हो गया तो इजिली अब रिटर्न फाइल भी हो जाएगा। बस OTP आना है, और ये देखिए मैं ये भी कर देता हूँ साथ साथ, और EVC कर लेते हैं, और अपना EVC यहाँ आना चाहिए। ठीक है, देखिए अपना EVC भी आ गया है, और EVC मैं यहाँ डाल देता हूँ, और रिटर्न ये इजिली फाइल हो जाएगा 4A12B4। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4A12B4, और ये करते हैं वेरीफाई। चलिए, अपना रिटर्न फाइल हो गया। तो अब बिना लेट फी के रिटर्न इजिली फाइल हो रहा है। अब सारे अपने रिटर्न फाइल कीजिए अब। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।